मैं बात पर आए और यहाँ टिकटॉक बनाएं, लेकिन माने इससे साफ सुथरा एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खामा कहीं पार्क जाते हैं, आप फेयर हॉल जाते हैं, आप बड़ी बड़ी जगहों जाते हैं, आप कहीं ना जाएं, करीमाबाद के एरिया पे आएँ और यहाँ वीडियो बनाएं, आपको बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट मिलेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी आपको सफाई सुथरा के नाम इंतजाम मिलेगा। आप आराम से नीचे देखें रोड जो बना हुआ है और मिट्टी की नज़र नहीं आ रही है, लेट के आप बनाएं आराम से टिकटॉक सही है। जो जो मोतियाँ पड़े हुए नीचे, इस मोतियाँ पर लेट के आप बनाएं, आगे मोतियाँ बनी हुई काला गुलाब बना हुआ है, आप उस पर लेट के आप वीडियो बनाएं। इतनी साफ सुथराई वाला मामला हुआ हुआ है, ऐसा साफ सुथराई वाला मामला आपको नारायण कागान के पी के बालाकोट मरी वरी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सफाई सुथराई इन्होंने करीमाबाद में दिखाई हुई है। तो यहाँ आएँ, टिकटॉक बनाएं, अपनी टिकटॉक बना के आप दिखाएं लोगों को और यहाँ की खूबसूरती उजागर करें, अपने एक्सप्लोर करें। मेरी जो है वो जे डी सी के जफराबाद से भी गुजारिश है, वो यहाँ आए, यहाँ की वीडियो बनाएं और अप्रिशिएट करें हुकूमत को। साथ साथ चलाने वाले भी आए, जे डी सी वाले भी आए और यहाँ जितने भी यूट्यूबर्स वो आए, जजी सब आ गए, कल्ली बल्ली काम आ गया। मैच देखने में लगे हुए यार, पाकिस्तान की खूबसूरती आप उजागर करो, दिखाओ कि कितनी खूबसूरत जो है हमारी इशारा हुई हुई है कराची करीमाबाद, जहाँ अंडर पास बन रहा है और खूबसूरती इतनी दुबाला हुई हुई है, ऐसी खूबसूरती हमने पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखी। तो आप यहाँ आएँ, आके दिखाएँ कि कितना खूबसूरत है हमारा शहर कराची और कराची करीमाबाद। कि आप देखेंगे पहली बार किसी मेयर ने जो अंडर पास बनाया है वहाँ बिल्डिंगों पर कलर करवा दिया है। बिल्डिंगों पर कलर के अलावा जो है यहाँ का पानी जो इस्तेमाल हो रहा है, पानी ठेकेदार जो है वो अपना कंटेनर लेके आ रहा है, उससे पानी इस्तेमाल कर रहा है, बिजली भी अपनी इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने जो जनरेटर उसकी इस्तेमाल कर रहा है, वो बिजली चोरी नहीं कर रहा है आगे पोलों से, पानी चोरी नहीं कर रहा है आगे लाइनों से, और जो मजदूर हैं उनको प्रॉपर जो है आयो से सैनिटरी के कॉस्ट्यूम पहनाए हुए हैं, तो इसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जो सफाई सुथरा के इंतजाम उन्होंने किया हुआ है उस पर भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि सफाई सुथरा के इंतजाम बहुत बेहतर किया हुआ है। कहीं आपको मिट्टी नज़र नहीं आ रही, कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आ रही, और लोग जो है हंसी खुशियाँ रह रहे हैं, लोग जो है यहाँ कोई दबे के मरीज़ नहीं हो रहे, कोई मिट्टी उल्टी नहीं आती, कोई कचरा सुबह सुबह जला के कोई घर में बदबू नहीं आती, यहाँ कचरा है ही नहीं, सफाई सुथरा के निज़ाम है, आराम से पेडिस्ट्रियन ब्रिज से लोग सामने आने जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कहीं आपको कचरा नज़र नहीं आएगा, आपको कहीं कचरा नज़र आए तो कमेंट में बताइए। ये नीचे आपको मोतियाँ पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, काला करोला नज़र आ रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ दरख्त भी लगे हुए हैं, हरियाली भी हुई हुई है, और रोड डल गया है, अंडर पास बन रहा है, साथ साथ रोड भी डाल रही है, साइडों में दीवारें खड़ी कर ली, साथ साथ बैरियर्स लगा दिए हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो। और ऐसी सफाई सुथरा के इंतज़ाम, ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी मैनेजमेंट शायद पाकिस्तान के किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर नहीं होती। अगर लोगों को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तो कराची करीमाबाद की तरह जो है प्रोटोकॉल मैनेजमेंट सफाई सुथरा के निज़ाम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, अगर वह तरक्की नहीं करेगा। जो सफाई सुथरा का निज़ाम कराची करीमाबाद का है, ऐसा निज़ाम पे कहता हूँ कि पाकिस्तान के कोने कोने में होना चाहिए, ताकि लोग अंदाज़ा कर सकें कि कराची करीमाबाद वाले लोग पे क्या गुजर रही है, कितना खुश हैं वो कि यार इतने सफाई सुथराई का निज़ाम किया हुआ है, पूरे कराची में सफाई हो ना हो कराची करीमाबाद पर आपको सफाई मिलेगी। या टिकटॉकर आके वीडियो बनाएँ, या यूट्यूबर आके वीडियो बनाएँ, यहाँ जो है पिक्चराइजेशन हो, या ड्रामे पिक्चराइज हो, या फिल्में पिक्चराइज होंगी, सफाई सुथराई इतनी ज़बरदस्त है कि शायद आपको स्विट्ज़रलैंड में भी इस तरह की सफाई नहीं मिलेगी। तो आप सफाई सुथराई देखिए कितनी ज़बरदस्त है, कितनी आला है, कि नीचे आपको कहीं नहीं मिलेगा कचरा, आपको मोतियाँ देखिए ना, मोतियाँ पड़े हुए, मोतियों की खुशबू आ रही है, वाह वाह कमाल है यार। और जो काला गुलाब है वो पड़ा हुआ है, और आपको दिखा कि ठेले ठिया के पास वहाँ भी मोतियाँ पड़ा हुआ है, तो जो ये कंगन वाले मोतियाँ लेके जाते हैं यहाँ के, मोतियों का कंगन बनाते हैं और मोतियों का हार बनाते हैं। और कराची का करीमाबाद इतना खूबसूरत तरीन है, लेकिन माने कि मैं कहता हूँ कि चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान का कोई शहर कोई जगह इतनी खूबसूरत नहीं जितनी कराची करीमाबाद है। और यकीन माने मैं तो सल्यूट पेश करता हूँ कि पहला कोई मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ जहाँ अंडर पास बनाया जा रहा है, अंडर पास बनाने के साथ साथ यहाँ मिट्टी बिल्कुल साफ़ कर दी गई है, यहाँ रोड बना दिया गया है, यहाँ राजदारी बना दी गई है, यहाँ कचरा उठा लिया गया है, और जो है और पेडिस्ट्रियन ब्रिज बना दिया गया है कि जो नमाजी सामने जाते हैं वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज से जाए, जो बाइक वाले सामने जाते हैं वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज से जाए, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिख रही है, और हर जगह आपको मोतिया सफ़र दिख रहा है, आपको हरियाली दिख रही है, आपको जो है काला गुलाब दिख रहा है। और मैं अर्ज करता हूँ कि ऐसा मेयर पूरे पाकिस्तान में लोगों को मिले, और पूरे पाकिस्तान में जो है इस तरह की अख्तियार हो, इस तरह का फंड हो, जो फंड्स कराची करीमाबाद को मिले हुए हैं, ऐसे फंड्स पूरे पाकिस्तान को मिलने चाहिए, ताकि काम अच्छा हो, काम के अलावा जो है जो गंदगी है वो बिल्कुल साफ़ हो, और जो है खूबसूरती दुबाला हो। तो ये कराची करीमाबाद है जो कि मैं लेके आया हूँ आपको।